नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र संकट के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों दलों ने अलग अलग बयान में कहा है कि उद्धव सरकार को गिराने के लिए सारा खेल बीजेपी कर रही है। बीजेपी की नज़र राष्ट्रपति चुनाव पर है, उसके पास बहुमत नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र में सारा खेल रचा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये जोड़ तोड़ बीजेपी कर रही है। हमारी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी होगी और हम साथ काम करना चाहते हैं। वर्तमान महाराष्ट्र सरकार राज्य में विकास कार्य कर रही है, बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पहले भी कर्नाटक, MP, गोवा में ऐसा ही किया था। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गुरुवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। TMC सुप्रीमो ने कहा कि महाराष्ट्र के विधायकों को बंगाल भेजो, हम उनकी अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा पर हमला बोला और कहा कि हेमंत बिस्वा सरमा की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं क्योंकि सरकार विद्रोही विधायकों की मेजबानी करने के लिए दिल्ली के आदेशों का पालन करने में व्यस्त है। राज्य के लोग बाढ़ में तबाह हो रहे हैं, लेकिन असम के CM को इसकी चिंता नहीं। बता दें, असम में भयंकर बाढ़ के कारण अभी तक 101 लोगों की जान जा चुकी है और 54 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। शिवसेना और सरकार पर आए संकट के बीच NCP प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हम आखिर तक उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के लिए स्थापित सरकार है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कोई भी सच्चा शिवसैनिक आदरणीय बालासाहेब ठाकरे के विचारों को धोखा देने जैसा व्यवहार नहीं करेगा। शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार में आए बड़े संकट के बीच संजय राउत का अहम बयान सामने आया है। संजय राउत ने गुरुवार दोपहर एक पत्रकार वार्ता में कहा कि अगर पार्टी से बगावत करने वाले विधायक 24 घंटे में मुंबई लौटते हैं तो पार्टी महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की उनकी मांग पर विचार करने के लिए तैयार है। राउत ने कहा कि हमें शिवसेना प्रमुख से बात करनी चाहिए, वो मांग उनके सामने रखी जानी चाहिए, हमें वहाँ बैठकर पत्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनकी मांग पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। बता दें कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना के अलावा कांग्रेस और NCP भी शामिल हैं। एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों की ओर से यह मांग रखी गई है कि शिवसेना को NCP और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ देना चाहिए। एक ओर जहां शिवसेना बागी विधायकों को वापस बुला रही है तो दूसरी ओर विधायकों को चेतावनी भी दी जा रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने NDTV से बात करते हुए कहा कि जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन फिर एक बार चुनाव में जीत कर आकर दिखाइए। ये जमीन शिवसेना की है, बालासाहेब ठाकरे की है। कोई विधायक टूट गया इसका मतलब पार्टी खत्म हो गई, ये नहीं। हमारे लिए संकट नया नहीं है। राउत ने कहा कि 56 साल से हम संघर्ष करते रहे, क्या होगा, सत्ता जाएगी, पावर जाएगी, मंत्रीपद जाएंगे, आप ED CBI लगाएंगे और क्या हो सकता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने NCP और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने पर एकनाथ शिंदे के कैंप को कहा कि आप जाइए बीजेपी के साथ आप मर्ज कर लें, हमारी पार्टी शिवसेना है। राउत ने कहा कि बाला साहेब के ज़माने में भी बहुत लोग छोड़कर गए, एक बार फिर पार्टी खड़ी की गई और सत्ता तक पहुंचाई। ये उद्धव जी और मेरा चैलेंज है, आप जाइए, पार्टी फिर खड़ी होगी और हम फिर आएंगे सत्ता में। हालांकि इसके साथ ही राउत ने बागी विधायकों से कहा कि अभी भी वक्त नहीं गया है, वापस आ जाइए, कौन सी मजबूरी में गए पता नहीं। हालांकि उन्होंने बार बार कहा कि विधायक गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों को महाराष्ट्र में आना होगा और फिर फ्लोर टेस्ट में पता चलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के भावुक संबोधन और मातोश्री जाने के बाद एकनाथ शिंदे कैंप के बागी विधायकों ने एक खुला पत्र लिखकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। ये खत संजय शिरसाट ने लिखा है। एकनाथ ने इस खत को ट्विटर पर साझा किया है और लिखा है, यह विधायकों की भावना है। पत्र में कहा है कि हम ये पत्र अपने विट्ठल हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कल सही मायने में वर्षा बंगले के दरवाजे जनता के लिए खोले गए थे। बंगले पर भीड़ देखकर खुशी हुई। पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायकों के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे। हमें आपके आसपास के लोगों को मनाना पड़ता था कि वो आपसे हमारी मुलाकात करवा दें। जो लोग विधानसभा या राज्यसभा गए वो हमारी वजह से वहाँ पहुँचे, उन्होंने हमें पूरी तरह से दरकिनार करते हुए विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई। पत्र में आगे लिखा गया है कि हमें आपसे वर्षा या मंत्रालय में कभी भी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन एकनाथ शिंदे वो शख्स थे जिनके दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले थे। उन्होंने हमें हमेशा सुना, हमने ही एकनाथ शिंदे से ये फैसला हमारे लिए लेने को कहा।
गुवाहाटी में जिस होटल में शिवसेना के बागी ठहरे हुए हैं उसके बाहर तृणमूल कांग्रेस ने आज सुबह बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों ने असम की सत्तारूढ़ बीजेपी पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए गलत तरीके अपनाने का आरोप लगाया। उनका ये भी आरोप है कि शिवसेना के तख्तापलट को अंजाम देने के लिए बीजेपी ने अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने जमकर नारेबाजी की। विरोध का नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के असम प्रमुख रिपुन बोरा ने किया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को काबू में रखने की कोशिश की। शिवसेना में हुई बड़ी बगावत के पीछे टीवी चैनलों अखबारों में एकनाथ शिंदे अहम किरदार के रूप में दिखाई दिए हैं, लेकिन बीजेपी के चार बड़े नेता शिवसेना के विधायकों को गुजरात के सूरत से लेकर असम के गुवाहाटी तक ठहराने, जरूरी चीज़ों का इंतजाम करने और लगातार उनके संपर्क में बने हुए हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक शिवसेना के विधायकों के सूरत पहुंचने पर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने मेजबान की तरह उनका स्वागत किया और इस वजह से पहले से तय अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक शिंदे और शिवसेना के अन्य बागी विधायकों को सूरत के 5 सितारा होटल में ठहराने का ये विचार सीआर पाटिल का ही था। सूरत पाटिल का गृहनगर भी है। इसके अलावा सूरत से निकलकर शिवसेना के विधायक जब गुवाहाटी पहुंचे तो वहां भूमिका शुरू हुई असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की। मुख्यमंत्री शर्मा खुद गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में पहुंचे जहां पर शिवसेना के बागी विधायक रुके हुए हैं। इससे पहले गुवाहाटी एयरपोर्ट पर बीजेपी के विधायक सुशांत बोरगोहिन ने शिवसेना के बागी विधायकों का स्वागत किया। सुशांत को मुख्यमंत्री शर्मा का करीबी माना जाता है। इंडिया टुडे के मुताबिक बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों से बातचीत करने की जिम्मेदारी बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को दी गई है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने भी समर्थन दिया है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से ही आती हैं और एक वक्त में बीजेडी बीजेपी की सरकार में मंत्री रही हैं। बीजेडी के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा के सभी सदस्यों से अपील की है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का ऐलान किया था। अब ये माना जा रहा है कि एनडीए के उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति चुनाव में राह थोड़ा आसान हो जाएगी। गुरुवार को 6 राज्यों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इन सभी सीटों के लिए चुनाव नतीजे 26 जून को आएंगे। लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर के अलावा पंजाब की संगरूर सीट शामिल है, जबकि विधानसभा सीटों में दिल्ली की राजेंद्र नगर, झारखंड की मंदार, आंध्र प्रदेश की आत्मकुर और त्रिपुरा की अगरतला, टाउन बोर्दोवाली, सूरमा और जवाहरराजनगर सीटों पर मतदान हो रहा है। आजमगढ़ में 5 बजे तक 45.97% मतदान हुआ है। उधर रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 37.02% मतदान हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से उपचुनाव में सत्ता के जोर शोर से शासन प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर मतदाताओं को मतदान करने से रोके जाने का आरोप लगाया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।